नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं गेट की एग्जाम जो आने वाली है 2018 की, उसे ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं गेट की एग्जाम में कैसे तैयारी करें। जैसा कि आप जानते हो गेट की एग्जाम्स के फॉर्म आपने फिलअप कर ही दिए होंगे। तो गेट की एग्जाम्स में अगर आप देखो तो फरवरी में आई थिंक शेड्यूल किया गया है, तो फरवरी के आसपास अगर आप अभी से काउंट करना शुरू करते हो तो आपके पास आई थिंक टू टू थ्री मंथ्स, अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर दिसंबर, सो आपके पास अप्रोक्सीमेटली थ्री मंथ्स है। तो इन थ्री मंथ्स में आपको कुछ इस तरह से तैयारी करनी होगी जिससे गेट की एग्जाम आप एटलीस्ट क्रैक कर सको। बिकॉज यहां पर अगर आप देखो तो गेट की एग्जाम अगर आप क्रैक करने का टारगेट बना रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम है गेट की एग्जाम क्रैक करने के लिए। और वो आप कैसे कर सकते हो, पर डे प्रिपरेशन से। बिकॉज इस एग्जाम में आपको कुछ भी एक दिन में पढ़ लो और दूसरे दिन हो जाए ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी होती है, डे बाय डे जाना होता है, मंथ बाय मंथ जाना होता है। इसलिए मैं यहां पर एक छोटी सी सजेशन दूंगा आपको कि आप जो भी तैयार करो उसका प्रॉपर रिवीजन करो, उसी के साथ साथ उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो। यहां पर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वालिटी की इंपॉर्टेंस है। यहां पर आप जो भी पढ़ रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा पता होना चाहिए। और बिलीव मी फ्रेंड्स कि आज जो भी हम बताने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कमाल की चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, जिससे कि आप गेट के एग्जाम में जब भी तैयारी करोगे उन चीजों को ध्यान में रख के करोगे और उसके बाद आप गेट के एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गेट के एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है। यहां पर सबसे पहली चीज मैं आपको कहूंगा कि आप अपना जो भी शेड्यूल बना रहे हो, जो भी प्लान बना रहे हो पर डे गेट में पढ़ने के लिए, जो सेपरेटली टाइम निकाल रहे हो, उस टाइम में आपको 6 to 7 hours एटलीस्ट गेट के लिए आपको देना है। यहां पर इसके बाद गेट के फॉर्मेट और गेट के क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए गेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट के फॉर्मेट के बारे में। तो गेट का फॉर्मेट जैसे कि आप जानते होंगे, अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 1 और 2 मार्क्स के दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं कहूंगा कि फॉर्मेट जो पहले था 2017 का और जो पहले फॉलो अप हो रहा है वो सेम फॉर्मेट रखा गया है। यहां पर कुछ बड़े मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसी के साथ दूसरी चीज ये है कि गेट में जो वेटेज दिया जाता है, एप्टीट्यूड को 15 मार्क्स का वेटेज होता है, उसके बाद मैथ्स को 13 to 15% और आपका जो कोर सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को वो 70% आपको पूछा जाता है, मतलब 100 में 70 मार्क्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप यहां पर ध्यान रखोगे कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, आपको बेसिक्स उनके अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि 70 मार्क्स का वहीं से आता है। और इसके अलावा अगर आप एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स में अच्छा अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको एक प्लस पॉइंट की तरह काम करेगा। तो यहां पर चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है ऑप्शनल बेस्ड, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 में से 1 ऑप्शन सही होता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका आंसर जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी आ रही है वो आपको मैन्युअली एंटर करनी होती है, और उस वैल्यू को एंटर करने के बाद वो क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि गेट में नेगेटिव मार्किंग होता है और वो होता है 1/3 का और 2/3 का। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको दिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, और 2/3 का नेगेटिव मार्किंग दिया जाता है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और यहां पर अगर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हैं उन्हीं में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग आपको दिया जा रहा है यहां पर, और जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है जिसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट की है और उसे सबमिट किया है, एंटर किया है डेटा, उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। तो चलिए आइए, ये तो बात हो गई हमारे गेट के फॉर्मेट के बारे में, गेट का जो सिलेबस के बारे में और वेटेज के बारे में बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं गेट में करना क्या है और कैसे करना है। तो गेट में सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप बेसिक्स करो। गेट में कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा, जो 70% आपको पूछा जा रहा है वो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है 4 साल में, जो इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो वही पूछा जाता है, कुछ नया नहीं होता है। बस इतना हो सकता है कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स शायद इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के थोड़े हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, अगर वो सब्जेक्ट्स आपको यूनिवर्सिटीज में अगर सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं हुए हैं तो। अदरवाइज 90 to 95% सिलेबस वही होता है जो आपको पढ़ाया गया है इंजीनियरिंग के थ्रू आउट। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपनी आपके इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ना है, वो बेसिक्स जो है उन्हें ध्यान से आपको
क्लियर करना है और उनके फॉर्मूलास वगैरह जो भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। पता मतलब कि आपको रटना नहीं है यहाँ पर कुछ भी, आपको उनका बेसिक्स पता होना चाहिए, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है तो आप, मैं समझता हूँ 70% में से आराम से आप 40-50% तो स्कोर कर ही सकते हो। इसके अलावा बात रही एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ्स की, इंजीनियरिंग मैथ्स भी वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, और एप्टीट्यूड की अगर बात करो तो उसके लिए थोड़ी सी सेपरेटली तैयारी करनी पड़ सकती है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है मैं कहूंगा आपको। इसलिए थोड़ी सी तैयारी अगर आप एप्टीट्यूड में ध्यान देते हो तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो एप्टीट्यूड में। जनरली आप 15 मार्क्स का है तो उसमें से आप आराम से मोर देन 10 का स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी उसमें ध्यान देते हो, थोड़ी सी भी उसमें मेहनत करते हो। इसके बाद चलिए आइए बात करते हैं व्हाट टू डू। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके पास समय इतना ज्यादा नहीं है, 2 या 3 महीनों का समय है आपके पास, तो इसमें आपको रिवीजन का टाइम भी आपको अलग निकालना है, इसी के साथ आपको सब्जेक्ट्स का टाइम अलग निकालना है, एप्टीट्यूड का पढ़ना हुआ अलग निकालना है। इसलिए मैंने पहले ही आपको कह दिया 6-7 आवर्स यहाँ पर आपको देने होंगे पर डे, जिससे कि आप एक अच्छी तैयारी कर सको क्रैक करने के लिए। आप अपने मैं कहूंगा कि आप एकदम श्योर हो सको मैं क्रैक कर ही लूंगा इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा आपका प्लान आप किस तरह से बना रहे हो। तो प्लान में आपको यहाँ पर प्लान आपका जो भी आप बनाते हो ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप जितना भी समय निकालते हो दिन में, तो उस समय में आप एक बात का ध्यान रखोगे कि प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है वो कोई भी थियोरिटिकल बेस नहीं है, कोई आपकी जो मेमोरी टेस्ट नहीं की जा रही है यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है तो आपका एनालिटिकल नॉलेज, यहाँ पर आपका टेस्ट किया जा रहा है आपका फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्रैक्टिस आप करो। जैसे कि आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते थे तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे उन्हें सॉल्व करते थे फॉर्मूला बेस्ड, तो उसी तरह से आपको यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी गेट क्रैक करने के, इसलिए आप प्लान बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे। इसके बाद चलिए आते दूसरे पॉइंट पर, वो है डू फर्स्ट व्हाट यू नो। यहाँ पर आपको पहले वही करना है जो आपको आता है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करते थे, जिन सब्जेक्ट्स में आपकी अच्छी ग्रिप है, उन सब्जेक्ट्स को आप पहले करोगे, चाहे वो एप्टीट्यूड ही क्यों ना हो। एप्टीट्यूड भी अगर आपको अच्छा आता है तो पहले वो करोगे, तो उससे क्या होगा जो आपको आता है वो पहले कर लेने से आपकी ग्रिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और उनके मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। तो ये तो फायदा होता है जो पहले आता है वो करने का। इसके बाद तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस। गेट में फॉर्मूलाज की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज गेट में जो भी पूछा जा रहा है वो किसी ना किसी फॉर्मूला के बेस पर पूछा जा रहा है। गेट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला की सेपरेट नोट बनानी होगी, जिससे कि आप जितने भी फॉर्मूलास हैं, जितने एक सब्जेक्ट जैसे आपने लिया उस सब्जेक्ट के जितने फॉर्मूलास हैं आप लिख सकते हो उन्हें, जैसे गेट के पेपर सॉल्व कर रहे हो जितने फॉर्मूलास उसमें आपको मिले थे, जितने फॉर्मूलास से आपने सॉल्व किया था उन सारे फॉर्मूलास को आप नोट डाउन करो और टाइम टू टाइम पीरियोडिकली आप उनका रिवीजन करो। तो ये होती है एक अच्छी प्रैक्टिस जो आपको एक अच्छा स्कोर और गेट क्रैक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जब आप गेट का पेपर अटेम्प्ट करोगे तब क्या ध्यान रखोगे, जब आप गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको सॉल्व करने होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसके बाद आपको सॉल्व करने होंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस। इससे होता क्या है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी होता है कि काफी इजी होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए जो मेहनत आपके 1 मार्क में लग सकती थी वो उतनी मेहनत में अगर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या खराब है। तो इसलिए ये तो फायदा होता है कि 2 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट करने का, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इसके बाद चलिए आइए बात करते हैं गेट में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो गेट के एग्जाम में आपको शॉर्टकट्स कुछ पता होने चाहिए, ये तो जब आप पढ़ोगे, जब आप ध्यान से पढ़ रहे हो सब कुछ देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन जो एक बहुत लेंदी एक पूरे पेज में सॉल्व हो सकते थे वो आप 2 लाइन में सॉल्व कर रहे हो। तो कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। ये सब चीजें होती है टाइम बचाने के लिए। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क के, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स ले लो, जिससे कि आपका जो लास्ट में क्वेश्चन है वो उनके लिए कम समय ना हो और कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सको और अच्छी तरह से एक अच्छा स्कोर ला सको और गेट क्रैक कर सको आराम से। तो बस आज के वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूंगा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।